हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए अगली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे प्लीज़ चैनल पर नए हैं वे एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और 30 सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ मेरे आने वाले सभी लेक्चरों को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और बच्चे जो मेरे पॉलिटी के सभी लेक्चर देखना चाहते हैं वे एक बार सक्सेस पॉइंट लक्सर पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी के शुरू से लेकर और अब तक के सभी लेक्चर ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं आपातकाल इमरजेंसी के बारे में, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। और आपातकाल की स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है। यदि आपातकाल की स्थिति है तो इस समय केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। यहाँ यह एक छोटी सी लाइन अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में कहा गया था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्था संघवाद के कड़े लक्षण कड़े स्वरूप में है। भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दो प्रकार का हो सकता है। अगर हम बात करें आपातकाल से संबंधित, तो भारत में आपातकाल तीन प्रकार के हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 व वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान किया गया है। तो हम बात करते हैं प्रारंभ में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल की लगाने की दो विशेषताएँ हैं। पहली, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल या आंतरिक अंदरूनी भी बोल सकते हैं। तो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल में यदि भारत पर किसी देश द्वारा युद्ध कर दिया गया हो या आक्रमण कर दिया गया हो तो उस स्थिति में बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। जबकि अंदरूनी, तो अंदरूनी आपातकाल यानी आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह पूरे देश या किसी भी भाग में लग सकती है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित भी किया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। 1975 से पहले केवल प्रधानमंत्री की सलाह से आपातकाल की घोषणा की जाती थी, यानी उसकी सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता था, परंतु अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे चेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि अब मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, तो 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे रखी गई थी। यानी 1975 में 38वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह न्यायिक समीक्षा में नहीं रखी जाएगी, इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन व समयावधि कि किस प्रकार की यह व्यवस्था है। तो आपातकाल के लिए संसद दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने तक एक माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। यानी संसद दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर इस पर अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो संसद एक माह के अंदर अंदर इस पर अनुमोदित करेगी। आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो अथवा लोकसभा का विघटन एक माह के समय के बिना घोषणा के अनुमोदन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में की जाती है। यानी कि इसमें यह बताया गया है यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की गई हो जब या तो लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन एक माह के समय के बिना घोषणा के अनुमोदन हो गया हो, तो ऐसी घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, जब लोकसभा पहली बार चुनकर आएगी तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जो उसकी पहली बैठक होगी उसी पहली बैठक से तीस दिन तक जारी रहेगी। जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो, यानी कि राज्यसभा द्वारा उसे पारित कर दिया गया हो और लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक से 30 दिन तक वह जारी रहती है, लेकिन इसके द्वारा राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना जरूर होगा।
अगर हम बात करें कि संसद के अनुमोदन पर आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल संसद के अनुमोदन पर आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, परंतु प्रत्येक 6 माह बाद इसे संसद द्वारा अनंत काल तक भी बढ़ाया जा सकता है, यानी हर छः माह बाद इसे लगातार बढ़ाया जा सकता है। पहले यह अनुमोदन साधारण बहुमत से पास होता था, परंतु अब यह विशेष बहुमत से पास होता है। अगर हम बात करें, अभी एक बार हम देख लेते हैं आपातकाल से संबंधित हाँ, तो हम बात करते हैं घोषणा की समाप्ति के बारे में कि आखिरकार घोषणा की समाप्ति का प्रावधान किस प्रकार है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा उसके आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए उसे संसद के अनुमोदन या प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। यानी राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकता है और इसके लिए उसे संसद के किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस दे दें तो 14 दिन के अंदर घोषणा के जारी रहने का प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन में विशेष बैठक का विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। यानी इसमें यह कहा गया है कि यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/1, यानी यदि लोकसभा में 550 हैं तो उसका 1/10 यानी कम से कम 55, उसका गणपूर्ति कोरम 55, तो 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा यानी घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के लिए बुलाई जा सकती है। अगर हम बात करें कि घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव, घोषणा जारी रहने के प्रस्ताव में 2 भिन्नताएं हैं। अब देखते हैं किस प्रकार की भिन्नता है। पहला, केवल लोकसभा से पारित होना आवश्यक है जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। यानी यहाँ यह बात कही गई है यदि उसकी घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव, समाप्त करने का प्रस्ताव है तो केवल लोकसभा का प्रस्ताव होना आवश्यक है, यदि घोषणा को जारी रहने का प्रस्ताव है तो दोनों सदनों से उसे पारित कराना आवश्यक होगा। अगर हम दूसरी बात देखें तो पहले को केवल साधारण बहुमत से पास कराया जाता है, यदि घोषणा को वापस लिया जा रहा है या अस्वीकार किया जा रहा है तो इसे केवल साधारण बहुमत से पास कर सकती है, जबकि यदि उसे आगे जारी किया जा रहा है, घोषणा के प्रस्ताव को आगे जारी किया जा रहा है तो इसे विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित कराना होगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, कि आखिरकार राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है उन पर प्रभाव पड़ता है, लोकसभा व राज्य विधानसभा द्वारा उनके कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं पहले केंद्र व राज्यों के बीच किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव, केंद्र को कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हो जाता है, यानी केंद्र की जो कार्यपालिकाएँ शक्तियाँ हैं उनका विस्तार हो जाता है। संसद को राज्य सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह केंद्र को दिए जाने वाले धन, केंद्र जो राज्य को धन देता है उस धन को कम या समाप्त किया जा सकता है, यह कंडीशन हो जाती है। साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा व राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ सकता है और 1 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में संसद यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु यदि आपातकाल समाप्त हो गया है तो किसी भी कंडीशन में वह 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब बात करते हैं मूल अधिकारों पर प्रभाव की, आखिरकार मूल अधिकारों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आर्टिकल 19 में दिए गए जो आपको ये मूल अधिकार जिनकी संख्या 6 है यह स्वतः निलंबित हो जाते हैं तथा आपातकाल जैसे समाप्त होता है यह पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर लग रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 में दिए गए आपको जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं तथा साथ साथ आपातकाल
समाप्त होने पर यह पुनः जीवित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 की संभावना पर दो आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी आर्टिकल 358 की संभावना पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला, आर्टिकल 19 में 6 मौलिक अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर दो प्रकार के आपातकाल लगते हैं, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, एक आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल है उसी के आधार पर आर्टिकल 19 में मिलने वाले आपको 6 मूल अधिकार, जिसमें आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये सभी जो स्वतंत्रता है यह निलंबित हो जाती है। परंतु आंतरिक, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आंतरिक जो आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल है उसके दौरान आर्टिकल 19 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। अगर हम बात करें, ऐसी विधियां और कार्यकारी निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती जो आपातकाल में बनी हो, यानी ऐसे कानून या कार्यकारी निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती जो आपातकाल में बनी हो। अगर हम बात करें आर्टिकल 359 की, तो इसके अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है, यह अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इसके तहत उपचार निलंबित होते हैं। यानी आर्टिकल 69 में कहा गया है कि मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, मूल अधिकार तो जीवित रहते हैं, परंतु जो उनके उपचार, जो मूल अधिकारों में जो कंडीशन दी गई हैं वह निलंबित की जाती हैं, इसके बारे में यह बताया गया है। अगर हम बात करें तो आपातकाल, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया है, 1962 में भारत चीन युद्ध में, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ था, 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगवाया गया था। अब हम बात करते हैं दूसरे आपातकाल के बारे में, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। यह वह आश्वस्त है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब राज्य का संविधान अनुरूप से ना चल रहा हो, यानी जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं और राज्य संविधान के अनुरूप कार्य ना कर रहा हो और संविधान के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 365 के तहत, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्टिकल 365 के तहत कोई केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 365 में कहा गया है, यदि केंद्र द्वारा कोई कानून या कोई निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश का पालन करने या उसको प्रभावी करने में कहीं ना कहीं राज्य असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, या उसका पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन का संसद में किस प्रकार से प्रस्ताव लाया जाता है और उसकी समयावधि किस प्रकार की है, तो इस पर बात करते हैं। तो इसकी घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन हो जाना चाहिए। वहाँ अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वहाँ 1 मंथ की बात की गई थी, जबकि यहाँ 2 मंथ की बात की गई है। ये आपको छोटी छोटी से अंतर आपको याद रखने हैं। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है, या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 3रे दिन तक बना रहता है, बशर्ते उसे राज्यसभा से उसी निश्चित समय में स्वीकृति दी देनी चाहिए। यानी वही कंडीशन दी गई है जो हम राष्ट्रीय आपातकाल में बात कर रहे थे, यदि लोकसभा विघटन हो जाए या लोकसभा का विघटन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का जब पहली बैठक होगी, तो उस पहली बैठक के 30 दिन तक वह प्रस्ताव बना रहेगा, और बशर्ते यह प्रस्ताव जब बना रहता है अगर राज्यसभा इसे निश्चित समय में अपनी स्वीकृति दे दे। अगर हम बात करें आगे, तो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहता है, यानी दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहता है, और इसे अधिकतम तीन साल तक लगाया जा सकता है। संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। वहाँ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है, उसके लिए आपको प्रत्येक छः माह के बाद उसे बढ़ाना होगा, जबकि यहाँ कह दिया गया है कि यह अधिकतम 3 साल के लिए ही लगाया जा सकता है, और इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन में
छः माह के बाद स्वीकृति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये छोटे छोटे से अंतर आपको राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि इस आपातकाल के लिए प्रत्येक सदन का साधारण बहुमत होना चाहिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो यहाँ आपको राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में आपको भी बताया था कि विशेष बहुमत, वहाँ आपको आर्टिकल 352 में विशेष बहुमत और यहाँ आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें आगे, तो अगर एक वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए भी बढ़ाना भी है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। यानी अगर किसी कंडीशन वर्ष एक वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह से अधिक के लिए बढ़ाना है, तो इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं किस प्रकार की। यदि पूरे भारत अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, यानी तब बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी पूरे भारत में या पूरे राज्य में या किसी भाग में भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 352 की घोषणा की गई हो। दूसरा, यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य की विधानसभा में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है या चुनाव कराने के लिए कठिनाइयां हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन के परिणाम किस प्रकार निकलते हैं, तो राष्ट्रपति शासन के परिणामों पर बात करें तो वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेती है, यानी केंद्र राज्य सरकार के सभी कार्य अपने हाथ में ले लेती है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो संसद ही राज्य विधायिका के शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तीसरी कंडीशन, वे सभी आवश्यक कदम उठा सकती है जिससे किसी राज्य में भी निकाय व संबंधित संवैधानिक प्रावधान को निलंबित करना शामिल है। यानी कि अगर संसद चाहे तो वह आवश्यक कदम उठा सकती है जिससे राज्य के किसी भी निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को निलंबित करना शामिल है। 1950 के बाद 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है और सर्वप्रथम यह पंजाब में हुआ था। यहाँ आपको यह याद रखना है कि अब तक पता नहीं कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो गया है, लेकिन सबसे प्रथम बार यह पंजाब में इसका प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में कि क्या इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो न्यायिक समीक्षा की संभावना, 38वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा और यह वाद्य योग्य नहीं है, यानी इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से प्रेरित नहीं है, अब इस पर न्यायिक समीक्षा होती है। बम्बई मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने 1956 के तहत निम्नलिखित निर्णय दिए, यानी कि आर्टिकल 356 के तहत कुछ निर्णय दिए। अभी निर्णय किस प्रकार है, पहला, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है, यानी उस पर न्यायिक समीक्षा होगी। दूसरा, केंद्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारणों को प्रस्तुत करे, यानी केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारणों को प्रस्तुत करे। अगर हम अगली कंडीशन पर बात करें तो न्यायालय यह भी देखता है कि संसाधन सही या पर्याप्त है, अपितु यह देखा कि कार्य तर्क संपत्त और अथवा नहीं, यानी कि न्यायालय यह भी देखता है कि क्या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया है यह सही या पर्याप्त है, या अपितु सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो इन कंडीशनों को ध्यान में देखकर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगली हम कंडीशन पर बात करें कि जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है तो उसे राज्य में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। यानी जब केंद्र में नया राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है तो अन्य राज्यों में सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में यही आपको दिखाई देगा होगा कि महाराष्ट्र में भी जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के संबंध में, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रयोग सरकार बड़े स्तर पर गलत तरीके से भी करती है, राष्ट्रीय शासन का प्रयोग, क्योंकि वहाँ अभी ऐसी कंडीशन नहीं आई थी कि राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया रामनाथ कोविंद द्वारा। तो ये सभी हमेशा चर्चाओं में रहता है, तो इसे एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर हम बात करें अगली कंडीशन के बारे में
तो 356 अगर हम बात करें 356 के तहत जो शक्तियाँ दी गई हैं, शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ हैं और इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही होना चाहिए। यानी आर्टिकल 356 में जो शक्तियाँ दी गई हैं इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले आपातकाल की, तो अगला आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया गया है, जिसे बोलते हैं वित्त आपातकाल, और राष्ट्रपति को वित्त आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। यदि वह संतुष्टि ऐसी स्थिति पाता है कि भारत पर, भारत के किसी क्षेत्र या किसी वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था कि राष्ट्रपति वित्त आपातकाल को करने की संतुति का अंतिम निर्णय होगा, यानी उस पर भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है और उस पर भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अगर हम बात करें संसद द्वारा इसका प्रस्ताव, तो संसद में इसका प्रस्ताव किस प्रकार जाता है, इन कंडीशनों पर बात करते हैं। तो इसकी घोषणा के 2 माह के भीतर ही इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाए, तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल के लिए प्रभावी तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे वापस ना लिया गया हो। ये आपको याद रखना है कि यह तब तक जारी रहता है जब तक इसे वापस ना लिया गया हो। यहाँ दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी, इसे जारी करने के लिए संसद में बार बार पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करें वित्त आपातकाल के बारे में, तो वित्त आपातकाल की घोषणा, मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय राष्ट्रीय वित्त आपातकाल को वापस लिया जा सकता है और इसके लिए भी संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यानी जब इसे लगाया जाता है तो संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है। इसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होती। अब बात करते हैं वित्त आपातकाल का प्रभाव हो कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो वित्त आपातकाल का प्रभाव आपको पता होगा कि एक तो केंद्र के आधिकारिक कर्मकारिणी विस्तार पर पड़ेगा, यानी कि वित्त आपातकाल के समय अगर हम देखें तो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या जो भी मुख्य पद पर है या सरकारी सेवा में है, उन सभी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा जो भी धन विधेयक हैं, उन धन विधेयकों को रोका जा सकता है, राज्य विधेयकों को रोका जा सकता है। अभी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधानों की आलोचना भी की गई है। अभी इन आलोचनाओं के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार इनकी आलोचना किस प्रकार की गई है। तो पहली आलोचना यह है कि यह संविधान का संघीय भाग नष्ट होगा और केंद्र शक्ति सर्वोच्च हो जाएगा। यानी कि पहली बात तो यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति शासन या कोई भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं संघीय ढांचे नष्ट हो जाता है और सर्वशक्तिमान केंद्र बन जाता है। राज्यों की शक्तियां पूरी तरह से केंद्र के हाथों में चली जाती हैं, यह भी एक आलोचना का कारण है। राष्ट्रपति तानाशाह बन जाता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाती है, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं, इन्हें भी अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये छोटा चैप्टर था जिसमें हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में और राष्ट्रपति शासन के बारे में और वित्त आपातकाल के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी राष्ट्रपति से संबंधित होगी। प्लीज़ जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वे एक बार चैनल को लाइक कर दें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।